एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। आखिर किस बात को लेकर शरद पवार के ये बयान सामने आया, जानते हैं। महाराष्ट्र में जारी राजनीति हलचल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि रोटी पलटने का समय आ गया है। उन्होंने मुंबई के युवा मंथन कार्यक्रम में कहा, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का ये बयान ऐसे समय आया है जब उनके भतीजे और एनसीपी के नेता अजीत पवार अगले राजनीतिक कदम को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वह बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि इन दावों को अजीत पवार और शरद पवार खारिज कर रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार एनसीपी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। इस पर उन्होंने कहा, मेरे बारे में कई तरह की अटकलें लगाई गई और अफवाहें फैलाई गई। बिना किसी कारण मेरे चारों ओर संदेह का घेरा बना दिया गया, लेकिन किसी भी अफवाह में फंसे बिना मैं अपना काम जारी रखे हुए हूँ। अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव का इंतजार किए बगैर अभी भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकती है। यह पूछने पर कि क्या एनसीपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर दावा करेगी, उन्होंने टिप्पणी की, 2024 क्यों, हम अभी भी दावा करने को तैयार है। बता दें कि शरद पवार लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिसको लेकर बहुत सी चर्चा हो रही है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों से अलग राय रखते हुए कहा था कि अडानी ग्रुप के मामले में जेपीसी जांच की जरूर नहीं है। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि यह उनकी निजी राय है, हमारे साथ इस मुद्दे पर 19 दल साथ है। इस समय शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कांग्रेस और शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। इस निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वह ज्यादा से ज्यादा शहरों में जीत हासिल कर सके, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जैसे सपा और BSP ने भी जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने मेयर पद के लिए कुल 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें से 11 मुस्लिम चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। यही कारण है कि मायावती अब निकाय चुनाव और साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नए नए प्रयोग कर रही है। मेयर पद के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को देखकर ये साफ समझ आ रहा है कि मायावती की पार्टी BSP ने निकाय चुनाव के दौरान मुस्लिमों को साधने के लिए नया दांव चला है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने आरक्षित सीटों पर OBC के लिए भी मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। उतारे गए 17 उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार मुस्लिम है और अन्य जो 6 हिंदू उम्मीदवार है उनमें से 3 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC से है और तो वही 2 उम्मीदवार अनुसूचित जाति यानी SC से है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान सबसे पहला प्रयोग साल 2007 में किया था। इससे पहले BSP D4 के सहारे राजनीति करती थी। इसका नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में BSP ने जब ब्राह्मणों को टिकट दिया तो उनकी सोशल इंजीनियरिंग हिट रही। इस प्रयोग ने पार्टी की इमेज बदली और कुछ हद तक वह बहुजनों की बजाय सर्वजन की पार्टी के रूप में पेश होने में सफल रही थी। उस साल विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इस पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरता चला गया। आज इस पार्टी की हालत ये है कि यूपी में यह सिर्फ एक विधायक वाली पार्टी बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में CBI से जुड़े केस में दिल्ली के पूर्व डिप्यूटी CM मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। आखिर इस मामले में कोर्ट ने CBI से क्या पूछे सवाल, आइए जानते हैं।
दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितता के केस में सीबीआई जांच कर रही है। वहीं सीबीआई ने इस मामले में न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई को बताना चाहिए कि मामले की जांच पूरी हुई है कि नहीं। सीबीआई ने सिसोदिया को षड्यंत्रकारी बताया है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या जांच पूरी हुई है या नहीं। सीबीआई ने कहा कि पूरी हो गई है। बता दें कि सीबीआई शराब नीति में हुई कथित अनियमितता को लेकर जांच कर रही है। सीबीआई ने इसी मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 25 अप्रैल को ही राउत एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था। ये पहली बार था कि जब किसी चार्जशीट में सिसोदिया को नामजद किया गया। कोर्ट ने इस आरोप पत्र पर विचार करने के लिए 12 मई तक तारीख तय की थी। इसके अलावा आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 28 अप्रैल को आदेश सुना सकती है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए उनके हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।